नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव के चोटिल होने से टीम को बड़ा झटका लगा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला गया। यहां वे तीसरे दिन दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हुए चोटिल हो गए। उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि चौथे दिन वे गेंदबाजी करने नहीं आए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तीसरे टेस्ट में उनके खेलने को लेकर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इससे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चोटिल होने की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं और ईशांत शर्मा पहले से ही चोट के कारण चार टेस्ट मैचों की सीरीज में शामिल नहीं है। ऐसे में भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दोस्तों, भारतीय टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बनना कुछ और चाहते थे, लेकिन परिस्थितिवश वे क्रिकेटर बन गए। आज हम आपको उमेश यादव की जिंदगी से जुड़ी एक दिलचस्प किस्सा के बारे में बताएंगे। दरअसल उमेश यादव भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते थे और पुलिस की नौकरी में वे मात्र 2 पॉइंट से चूक गए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसके बाद उनकी किस्मत कैसे पलटी। उमेश यादव भारतीय सेना में शामिल होने से चूक गए। उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए ट्राई भी किया लेकिन रिजेक्ट हो गए। इसके बाद उमेश यादव ने पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन इसमें भी किसी कारणवश वो केवल 2 पॉइंट से चूक गए। बार बार रिजेक्शन के बाद उमेश यादव ने उस समय क्रिकेट में करियर बनाने का फैसला किया, लेकिन शायद ही ऐसा सोचा होगा कि वे आज जिस मुकाम पर हैं वहां तक कभी पहुंच पाएंगे। यही कारण है कि उनके लिए क्रिकेट बहुत अहमियत रखता है। उमेश यादव हर जगह से रिजेक्शन झेल रहे थे, तब क्रिकेट उनका सहारा बना और आज सभी उनके मुकाम को अच्छी तरह से जानते हैं। आपको बता दें कि उमेश यादव का जन्म 25 अक्टूबर 1987 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। उनके पिता तिलक यादव नागपुर के खापरखेरा में एक कोयले की खान में काम करते थे और माता किशोरी देवी हाउसवाइफ थीं। उनके दो बड़े भाई और एक बहन हैं। 23 मई 2013 को फैशन डिजाइनर तान्या वधवा से उनकी शादी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्रिकेट की वजह से उमेश यादव की पढ़ाई पर भी बड़ा असर पड़ा था। उन्होंने अपना स्कूली शिक्षा महाराष्ट्र के खापरखेरा में शंकर राव चौहान विद्यालय में प्राप्त किया था। उसके बाद उमेश यादव कुछ स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना शुरू कर दिए थे, जिसके चलते उन्हें विदर्भ जिमखाना के साथ खेलने का मौका मिला। हालांकि वे कॉमर्स में ग्रेजुएशन करना चाहते थे, लेकिन समय नहीं मिलने की वजह से वो नहीं कर पाए। उमेश यादव भारत के सफलतम तेज गेंदबाजों में से एक हैं और कई अहम मौकों पर भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। उमेश यादव भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में बहुत स्ट्रगल किए हैं। उमेश यादव के बारे में कहा जाता है कि अगर पुलिस में उनकी नौकरी लग जाती तो आज वो क्रिकेटर नहीं होते बल्कि एक पुलिस वाला होते। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।